पंजाब जनसन हाय हाय। आज जो ये कर्मचारी, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और तमाम किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं यहाँ पर सेक्टर 20 में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कर्मचारी पिछले 20 साल से 25 साल से सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में 5 जनवरी को चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया कि जो पोस्टें 2 साल से खाली पड़ी हैं उनको पहले अबॉलिश किया जाता था और टाइम बढ़ा के 5 साल कर दिया गया कि जो पोस्ट 5 साल तक खाली है उसको हम भरेंगे, लेकिन नीचे एक नोट और लिख दिया उसके ऊपर कि जो भी कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं वो इन पोस्टों के अगेंस्ट चाहे कितने भी टाइम से काम कर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, डेली वेज पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, वो रेगुलर नहीं है तो पोस्ट जो है खाली समझी जाएगी और खाली समझने के बाद एक खतरा जो है वो रिट्रेंचमेंट का जो है लटक रहा है। इस करके पूरे कर्मचारी में गुस्सा है, सरकार उनको पक्का करने की बजाय खाली समझ करके जो रिट्रेंचमेंट कर रही है आज उसके विरोध में ये कर्मचारी खड़े यहाँ पर। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, भारत सरकार ने 2006 में, उसके बाद 2020 में रेगुलराइजेशन करने के लिए जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, नोटिफिकेशन या कह लो मेमोरेंडम एक निकाला और चंडीगढ़ प्रशासन ने एक टाइम भी उस मेमोरेंडम का पालन नहीं किया है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट उमा देवी के हमारे जजमेंट भी है, उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि 2006 के बाद आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पर किसी को नहीं रखना है, अगर रखा भी है तो 10 साल जिनके पूरे हो जाते हैं उनको लिए तुरंत तुरंत पॉलिसी बनाई जाए और उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ये करने की बजाय अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है कि साफ तौर पर मना कर रहा है कि 5 साल से अधिक से जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको तुरंत के तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनको अब मार्च के बाद किसी तरह की सैलरी नहीं दी जाएगी और इसी तहत कई कर्मचारियों को निकाल भी दिया गया है। तो उसके लिए हम संघर्ष आज यहाँ पर 20 करने के लिए मजबूर हुए हैं, 20 में बैठे हुए हैं जी, और आगे भी हमारी लड़ाई बहुत ही अग्रसर और बहुत तेज होने वाली है। हमारे कर्मचारी संगठन पूरे चंडीगढ़ के जितने भी हैं सबका समर्थन हमें मिला हुआ है, सब अपना साथ दे रहे हैं और हम आगे जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे प्रशासन के साथ। जी, मैं प्रभुनाथ साई इस मस्जिद ग्राउंड से यही बताऊंगा कि यह एक ऐतिहासिक धरती और कर्मचारियों की आवाज़ यहाँ से बुलंद होती है। तो आज चंडीगढ़ का शासन और प्रशासन देख लिए कि आज यहाँ ठीक है सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, इनके पीछे लाखों की संख्या में परिवार जुड़ा हुआ है और उसका उल्टा प्रभाव आपके आने वाले लोकसभा चुनाव में, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, किसी के दल से हैं, हमें मतलब नहीं है, सबको देखना पड़ेगा। तो मेरा यही आग्रह है कि यहाँ के सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक होकर के जो कर्मचारी 20 और 25 साल से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं उनको निकालने के बजाय उनको रेगुलराइज कराएँ और तब सही माने में अमृतकाल और राज्य होगा। आपके मैं रणवीर सिंह राणा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी यूटी चंडीगढ़ की तरफ से आज ये आह्वान करते हैं हम सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। इस टाइम देखो 500 टीचर तो हमारे स्कूलों में ही कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर है और टोटल चंडीगढ़ में 20,000 इम्प्लॉई इस टाइम गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और या फिर आउटसोर्सिंग के ऊपर है। अगर इनको निकालने की अगर एडमिनिस्ट्रेशन सोच भी रहा है तो मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ये गलती करने की कोशिश ना करें। एक तो ऊपर से इलेक्शन आ रहा है और 20,000 लोगों के साथ कम से कम अगर 5 लोग भी लगाओगे तो 1,00,000 वोट है इन लोगों की, तो ये गलती ना करें। तो ये ना हो कि कल को हमें चंडीगढ़ की सड़कें जाम करनी पड़े। मैं आने वाले एडवाइज़र साहब से, आने वाले गवर्नर साहब से, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से या सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा चंडीगढ़ के सभी ऑफिसर से कि हमारी जो जेन्युइन डिमांडें हैं उनको पूरा करें और एक जो ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें इनकी जो पॉलिसी, जो जॉब है इनकी सिक्योर हो सके और इनका कोई भी अगर मेंबर बाहर निकला, अगर हमारा एम्प्लॉई का कोई भी मेंबर बाहर निकला, कोई भी एम्प्लॉई बाहर निकला, तो ये सुनिश्चित है कि चंडीगढ़ की सड़कें हम जाम करेंगे और उसके लिए 5 दिन का नोटिस बहुत होगा। मैम, आप नोटिस को लेके क्या कहेंगे इसमें? मैं कंप्यूटर टीचर यूनियन की तरफ से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नोटिस हम इसे कंडेम करते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये नहीं है कि आप इम्प्लॉय से सालों साल नौकरी करवाते रहे, वो ईमानदारी और शिद्दत से नौकरी करें और आपका जब दिल करे तो आप निकाल दें। सारी स्टेट्स में पॉलिसी बनती है तो ये कोई अलग हमारा आउट ऑफ इंडिया नहीं है, हम इंडिया में यहाँ पर भी पॉलिसी बन सकती है।
पहले यहाँ पंजाब स्टेट रूल लगते थे तब भी पॉलिसी बन सकती थी, बट ये क्या वेट कर रहे थे कि सेंटर सर्विसेज रूल लगेंगे तो ये चीज़ करेंगे? ये बिल्कुल हम इसे नहीं मानते हैं, हम इसे कंडेम करते हैं और हम अपने जो साथ के हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हैं और हमें जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे और इसको नहीं हम मानेंगे।